अहादीस की तहकीक में असनाद और तफक्कू का दखल। सवाल है कि खतो किताबत के कई मराहिल तय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इत्मीनान बख्श सूरत जाहिर न हुई। ताहम इस खत से महज एक सवाल के हल पर सारी बहस खत्म हो सकती है। काबिले गौर अमर यह है कि हदीसो फिका का हम पल्ला होना, असनाद हदीस में खामियों का पाया जाना वगैरह मजामीन आपकी नजर में बुनियादी हैं या फरुई? अगर उसूली और बुनियादी हैं या फरुई, अगर उसूली और बुनियादी हैं, जैसा कि जमात के मुस्तकिल किताबी लिटरेचर में इसकी अशात से अंदाजा होता है, तो फिर किसी मुखालफत का अंदेशा किए बगैर जमात अहले हदीस रवायत के बाब में जो गलू रखती है उसकी इस्लाह और तनकीद के लिए पूरा जोरे कलम सर्फ कीजिए, जैसा कि आपने लीग और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए किया है। बाकी रहा जमात के अंदर और बाहर बास का दरवाजा खुल जाने का अंदेशा, तो ये कोई नई बात न होगी, क्योंकि अब से पहले भी अखबार अहले हदीस अमृतसर में तस्दीक अहले हदीस के उनवान से उस पर तनकीद हो चुकी है, और अब भी एक मौलवी साहब तफहीमात के इक्तबासात मसलक अहतदाल सुना सुना कर जमात इस्लामी के हम ख्याल अहले हदीस अफराद में बददिली पैदा कर रहे हैं और पूरी तरह फितने का सामान पैदा हो गया है और जमाती तरक्की में मजाहमत हो रही है। लेकिन अगर ये मजामीन फरुई और जिमनी हैसियत रखते हैं, जैसा कि आपके मकतूबात से मालूम होता है, तो फिर तफहीमात जैसी उसूली और अहम किताब और मुस्तकिल लिटरेचर की सूरत में इन पर इफ़हाम और तफहीम की जरूरत न थी। इसके लिए सिर्फ तर्जमान के सफात काफी थे। अफसोस के जिस चीज को आप फरुई तरीर फरमाते हैं वही जमात की तोसी के रास्ते में रकावट बन रही है। खुद आप ही दस्तूर जमात के दफा 5 जुज दाल में तहरीर फरमाते हैं कि जमात इस्लामी के रुकन के लिए इन तमाम बासों से अपनी जिंदगी को पाक करना जरूरी है। जिसकी कोई अहमियत दीन में ना हो, फिर क्या वजह है कि गैर अहम को अहम बनाया जा रहा है और इसके लिए तफहीमात के सफे सियाह किए गए हैं? क्या इससे बढ़कर बुनियादी इसलाह का काम बाकी ही ना रहा था? फिर यहाँ दो जुदा जुदा चीजें हैं जिन्हें मखलूत करने की कोशिश की जा रही है। फिकही जुज़ियात की तामील में किताब और सुन्नत के मातहत मुख्तलिफ होना अलग मामला है और इसे बर्दाश्त किया जा सकता है, यानी इस बारे में बुनियादी उमूर के इश्तराक को इत्तेहाद के लिए रवादारी बरती जा सकती है, लेकिन उसूली तौर पर रवायात नबी और दरायात मुज्तहिद को मुसावियाना हैसियत दे देना नाकाबले बर्दाश्त है, बल्कि बाज हालात में ये मामला इनकार हदीस का मुतरादिफ हो सकता है। खुद अकाबर हनफिया भी इसके कायल नहीं। नियाज इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस किस्म के अकीदा व ख्याल से तबरी और बेजारी जाहिर की। तफसील के लिए मुलायजा हो हुज्जतुल्लाहुल बालिगा और शामी। अब इस कश्मकश को रफा करने की यही सूरत है कि मसलक एतदाल वाला मजमून आइंदा तफहीमात के एडिशन में शाया न किया जाए और तर्जमानुल कुरान में एक मुहज्जब और मुअद्दब तनकीदी मजमून की अशात का मौका महरमत फरमाया जाए। ये तनकीद अमदरदाना और जमाती तरक्की के लिए होगी, मुखालिफाना और मुआंदाना ना होगी। वल्लाहु अला मा नकुलु शहीद। तर्जमानुल कुरान की कदीमी वसअत ज़र्फ़ी और आली हिम्मती से इस किस्म की उम्मीद वाबस्ता रखना बेजा न होगा। जवाब इरशाद फरमाते हैं, मैं तो समझता था कि मेरे आखिरी खत से आप मुतमईन हो गए होंगे, लेकिन अब इस इनायतनामा को पढ़कर मालूम हुआ है कि आपको मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो सका हूँ। आपने अब जो सवाल किया है उसके सिलसिला में मेरा भी एक सवाल है, वो ये कि मेरी किताबों में जिन्हें आप मुस्तकिल लिटरेचर फरमाते हैं फुरू और जुज़ियात के मुतलक सिर्फ यही एक मसलक के एतदाल वाली बहस आपको नजर आई है, या और भी किसी मुकाम पर मैंने जुज़ियात और फुरू से बहस की है? अगर दूसरे मुकामात पर भी ऐसी बहसें और यकीनन हैं, तो जुज़ियात और फुरू से अदम तारज और कुलियात और उसूल तक तकरीर और गुफ्तगू को महदूद रखने पर इसरार की जरूरत आपको सिर्फ इसी जगह क्यों महसूस हुई? फिर आपका ये इरशाद कि जुज़ियात और फुरू पर सिरे से मेरी किताबों में बहस ही न होनी चाहिए बजाय खुद सही नहीं है, इसलिए कि शायद कोई शख्स भी मुजर्रिद कुलियात तक अपनी बासों को महदूद रखने पर कादिर नहीं हो सकता। कभी कुलियात और उसूल की तौज़ीह में उसे जुज़ियात से बहस करनी होगी, कभी लोगों के शकूक व शुबहात और इस्तफ़सारात के जवाब में उसकी जरूरत पेश आएगी, और कभी खुद तहकीक मसाइल के सिलसिला में बहुत से जुज़ियात को ज़ेर-ए-बहस लाना पड़ेगा,
और जब ये चीजें बास में आएंगी तो ला माला बहुत से अमूर ऐसे होंगे जो किसी न किसी ग्रोह के मसलक से मुख्तलिफ होंगे। इसलिए सिरे से आपका यह मुतालबा ही सही नहीं है। अफसोस ये है कि आपने मेरे पिछले खतूत पर गौर नहीं किया कि मैंने उनमें ये बात अर्ज की थी कि अकामत दीन की जद्दोजहद में मुख्तलिफुल मसलक जमातों का इकट्ठा करने के लिए ये कोई शर्त नहीं है कि या तो मसाइल फकीहा पर तहकीक की आजादी सब लोगों से सल्ब कर ली जाए या पहले इन सारे मसाइल को तय करके एक मसलक की जमात बनाने की कोशिश की जाए। इसके बजाय सही ये है कि तहकीक के मसाइल में सब के लिए आजादी रहे और सिर्फ तहकीक ही के लिए नहीं बल्कि इसके इजहार और बयान के लिए भी आजादी रहे और किसी का मसलक किसी पर मुसल्लत न किया जाए। इस सिलसिला में दस्तूर की जिस दफा का आपने हवाला दिया है उसका मंशा वो नहीं है जो आपने समझा है बल्कि उसका मंशा मुनाजरे और मार्के बंद करना है। मेरी पिछली तहरीरों से जो अजीब अजीब माना आपने पैदा किए हैं उन पर मुझे अफसोस भी है और हैरत भी। ताज्जुब के आप दूसरे शख्स के मसलक को समझने की कोशिश के बजाय खुद अपनी बदगुमानी से एक बात वजह करके इसकी तरफ मंसूब करते हैं। आपका यह फिक्रा के उसूली तौर पर रवायत नबी और दरायत मुज्तहिद को मुसावियाना हैसियत दे देना नाकाबले बर्दाश्त है बल्कि बाज हालात में ये मामला इनकार हदीस का मुतरादिफ हो सकता है। यकीनन मेरे मसलक की तर्जमानी नहीं है। आप खुद ही इंसाफ से गौर कीजिए कि तफहीमात में हदीस के मुतल्लक जो मजामीन मैंने लिखे हैं और अपनी दूसरी किताबों और मजामीन में जिस तरह मैं हदीस से इस्तदलाल और एहतजाज करता हूँ, क्या इन सब चीजों को देखने के बाद मेरे मुतल्लक ये शुबा करने की गुंजाइश निकल सकती है कि मेरा जर्रा बराबर भी कोई मिलान मुनकरीन हदीस के मसलक की तरफ है? या हो सकता है फिर अगर आप मुझे मोमिन या मुसलमान समझते हैं तो आखिर किस तरह आपने मेरे मुतल्लक ये गुमान कर लिया कि मैं किसी रवायत को फिल हकीकत हदीस रसूलुल्लाह मान लेने के बाद फिर इस पर किसी तफक्कुब या अपने इत्तेहाद या किसी इमाम के कौल को तरजीह दे सकता हूँ? तरजीह तो दरकनार, अगर मैं दोनों को मुसावी भी समझूं बल्कि उसका ख्याल भी करूं तो मोमिन कैसे रह जाऊंगा? दरअसल आप लोग जिस गलत फहमी में मुबतला है वो यही है, हम इत्तेहाद और तफक्कुब को हदीस रसूल पर तरजीह देते हैं या दोनों को हम पल्ला करार देते हैं। हालांकि असल वाकया ये नहीं है, असल वाकया ये है कि कोई रवायत जो रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब हो उसकी निस्बत का सही और मोतबर होना बजाय खुद जेरे बास होता है। आपके नजदीक हर उस रवायत को हदीस रसूल मान लेना जरूरी है जिसे मुहद्दिसीन सनद के एतबार से सही करार दें, लेकिन हमारे नजदीक ये जरूरी नहीं है। हम सनद की सेहत को हदीस के सही होने की लाजमी दलील नहीं समझते। हमारे नजदीक सनद किसी हदीस की सेहत मालूम करने का वाहिद जरिया नहीं है बल्कि वो उन जराए में से एक है जिससे किसी रवायत के हदीस रसूल होने का जन गालिब हासिल होता है। उसके साथ हम ये भी जरूरी समझते हैं कि मतन पर गौर किया जाए। कुरान और हदीस के मजमूई इल्म से दीन का फहम हमें हासिल हुआ है, इसके लिहाज भी किया जाए और हदीस के वो मखसूस रवायत जिस मामला से मुतल्लक है इस मामला में कवी तर जराए से जो सुन्नत साबता हमें मालूम हो उस पर नजर डाली जाए। इलावा बरी और भी मुतअद्दद पहलू हैं जिनका लिहाज किए बगैर हम किसी हदीस की निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की तरफ कर देना दुरुस्त नहीं समझते। बस हमारे और आपके दरमियान इख्तलाफ इस अमर में नहीं है कि हदीस रसूल और इत्तेहाद मुज्तहिद में मुसावात है या नहीं, बल्कि इख्तलाफ दरअसल इस अमर में है कि रवायात के रद्दो कबूल और इनके अहकाम के इस्तंबात में एक मुहद्दस की राय बिलिहाज सनद और एक मुज्तहिद की राय बिलिहाज दरायत का मर्तबा मुसावी है या नहीं, या ये कि दोनों में से किसकी राय ज्यादा वजनी है। इस बाब में अगर कोई शख्स दोनों को हम पल्ला करार देता है तब भी किसी गुनाह का इर्तकाब नहीं करता, लेकिन आप लोग इसको गुनाहगार बनाने के लिए इस पर खामखा ये इल्जाम आयद करते हैं कि वह हदीस को हदीस रसूल मान लेने के बाद फिर किसी मुज्तहिद की राय को उसका हम पल्ला इस पर काबिल तरजीह करार देता है, हालांकि इस चीज का तस्वुर भी किसी मोमिन के कल्ब में जगह नहीं पा सकता। मुहद्दिसीन जिन बुनियादों पर अहदीस के सही या गलत या ज़ईफ वगैरह होने का फैसला करते हैं इनके अंदर कमजोरी के मुख्तलिफ पहलू में अपने मजमून मसलक के एतदाल में बयान कर चुका हूँ। जिन अमूर को मैंने वहां नजीर में पेश किया है वो बेशतर अलामा इब्नुल बर की किताब जामियाउल बयानुल इल्म से माखुज हैं। आप बराए करम मुझे बताइए कि फिल वाकया कमजोरी के वो पहलू फने हदीस में मौजूद हैं या नहीं? अगर मौजूद हैं तो फिर आखिर आप हजरात हमसे मुहद्दिसीन की आरा पर
ईमान ले आने का मुतालबा क्यों इस शदोमत से करते हैं? मुहद्दिसीन को बिल्कुल नाकाबिले एतरा तो हमने कहा नहीं है, न कभी हम इसका ख्याल भी दिल में ला सकते हैं, बल्कि इसके बरअक्स हदीस की तहकीक में सबसे पहले हम यही देखना जरूरी समझते हैं कि सनद के एतबार से हदीस का क्या हाल है और इस मामला में जिस पाए के मुहद्दिस ने इसको अपनी किताब में जगह दी हो उसके मर्तबा के लिहाज से हम उसकी राय को पूरी पूरी वक्त भी देते हैं। लेकिन फने हदीस की उन कमजोरियों की बिना पर जिनका मैंने जिक्र किया है हम इस अमर का इल्तजाम नहीं कर सकते कि माज इल्मे रवायत की बाम पहुंचाई हुई मालूमात पर पूरा पूरा एतमाद करके हर उस हदीस को जरूरी हदीस रसूल तस्लीम कर लें जिसे इस इल्म की रूह से सही करार दिया गया हो। आप हमारी इस राय से इतफाक न करें जिस तरह हम आपकी इस राय से इतफाक नहीं करते, लेकिन अदम इतफाक का ये नतीजा तो ना होना चाहिए कि आप हम पर इस जुर्म का इल्जाम लगा दें जो फिल वाकया हमने नहीं किया है। आप अगर मसले के एतदाल पर इल्मी तनकीद फरमाएं तो मेरे लिए बायस शुक्रगुजारी होगा, मुझ पर मेरी गलती वाजे हो जाए तो मुझे उससे रजू करने में हरगज तामुल नहीं होगा।